अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़रनक सिधवा, आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। दो मीठे बना रहे हैं हम आज, जो कि है, एक तो है फ्राइड कुकीज़, ठीक है। अगर आपको बेक नहीं करनी, आपके पास अवन नहीं है, तो आप इनको फ्राई करेंगे। पहले कुकी के डो को बना के आपने डीप फ्रीज़ कर देना है, जो कि मैंने कर दिया है, आपके सामने भी वो डो दोबारा बनाएंगे। फिर एक बैटर बनाएंगे जिसके अंदर हम उनको डिप करेंगे और तेल गरम करेंगे और तेल में हम उनको फ्राई कर देंगे। फिर ऊपर से चॉकलेट ड्रिजल करेंगे और आइसिंग शुगर डालेंगे। देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। इसके बाद हम आपको मक्का पीनट बटर पाई बनाना सिखाएंगे, और इसके लिए मुझे पीनट बटर चॉकलेट्स बनाने थे, तो वो मैंने आपके सामने करना है, इसलिए कि पीनट बटर चॉकलेट कप्स आजकल मिल नहीं रहे मार्केट में, वरना अगर मिलते होते तो क्या ही बात थी, मैं वही ले आती। ये देखिए, ये मेरा चॉकलेट का मोल्ड है, ठीक है जी। इसके अंदर मैंने ये चॉकलेट भर दी है, ये छोटे से कप्स से बन गए हैं, ठीक है। ये चॉकलेट जम भी गई है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें थोड़ा थोड़ा पीनट बटर भरना है। वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पीनट बटर है, पीनट बटर चंकी भी मिलता है, यानी कि मूंगफली के पीसेस के साथ भी, और पीनट बटर आपको मिलता है क्रीमी वाला भी, जो भी आपको इस्तेमाल करना है। बहुत थोड़ा थोड़ा जाएगा इसके बीच में ऐसे, और इसको हम ऊपर से वापस कवर कर देंगे चॉकलेट के साथ। मगर ये नीचे का चॉकलेट का केस जो है वो बिल्कुल सेट हो जाए, फिर ये पीनट बटर डालिएगा। पाइपिंग बैग में भी आप भर सकते हैं, उससे भी आप उसको अंदर पाइप इन कर सकते हैं। यहाँ मैंने पानी गर्म करने रखा है, बिकॉज हम आज चाउमीन बनाएंगे यूजिंग ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ बेक पार्लर। आज हमारे शो पे है एनेक्स की तरफ से एक गिफ्ट, जो कि है डिलक्स ड्राई आयन और वाउच 365 की कूपन बुक्स भी हैं। तो अगर आपको जीतना है तो आप हमें बताइए कोई भी दो मीठों के नाम, बहुत सारे मीठे बनाना सिखा चुकी हूँ, कोई भी दो मीठों की रेसिपीज़ के नाम लिख के 888-1 पे मैसेज कर दीजिएगा। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। सोचेंगे इतना सारा पीनट बटर क्यों लाई हूँ, इसलिए कि हमें इसके बीच में भी पाए में भी डालना है। ये तो मैं चॉकलेट्स बना रही हूँ उनके डेकोरेशन के लिए। ये पीनट बटर कप्स आपको मिल जाते थे मार्केट में पहले, लेकिन आजकल वो भी नहीं आ रहे हैं। लॉट्स ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आर नॉट कमिंग, सो खुद बनाइए। ये मोल्ड आपको मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया, दिस इज डन। अब इसके ऊपर दोबारा मुझे चॉकलेट डालनी है, तो यहाँ मेरे पास चॉकलेट का एक बार था जिसको मैंने रख दिया था चॉप करके माइक्रो में। अब दोबारा ये थोड़ा सा जम गया है, इसको हम ज़रा सा और मज़ीद माइक्रो कर देते हैं। और माइक्रोवेव में जब भी आप चॉकलेट को पिघलाएं, तो याद रखिएगा शॉर्ट बर्स्ट में पिघलाइएगा, एकदम से एक मिनट दो मिनट नहीं करिएगा। 20 सेकंड फिर निकालिए, चमचा चलाइए, 30 सेकंड फिर चमचा चलाइए, इसको कहते हैं शॉर्ट बर्स्ट में करना, ठीक है। वरना क्या होगा कि चॉकलेट गर्म हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, सीज हो जाएगी, और फिर आप उसको कुछ कर नहीं सकेंगे। ये निकाला आपने, इसमें आपने इस तरह चम्मच चलाया, पिघली हुई है। अगर एसी में काम कर रहे हैं तो दोबारा ये जम जाएगी, तो आप इसको फिर दोबारा कर सकते हैं रीहीट, लेकिन मैं इसमें अब ऊपर चॉकलेट डाल देती हूँ। कप्स बनेंगे, आप काटेंगे, काट के खाएंगे तो बीच में से पीनट बटर निकलेगा, ऊपर पूरी चॉकलेट होगी। व्हाट यू डू इज यू जस्ट स्प्रेड इट आउट लाइक दिस, ठीक है। ब्रश से कर लें या इससे कर लें, हमको इसको डेकोरेशन में इस्तेमाल करना है एनीवेज। मेक श्योर के पीनट बटर पूरा अंदर हो ऐसे। प्लास्टिक के सिलिकॉन के मोल्ड्स आपको चॉकलेट के आजकल हर जगह मिल रहे हैं। नहीं बनाना है तो नहीं करिएगा, ये डेकोरेशन में अच्छा लगेगा। बहुत मज़ेदार सी एक रेसिपी और आपने आज सीख ली, पीनट बटर कप्स। ठीक है। और ये जो मोल्स होते हैं, इनको कभी भी पानी से, साबुन से धोते नहीं हैं, इनको सिर्फ कॉटन वूल से पोंछते हैं, वरना आपकी चॉकलेट ग्लॉसी नहीं बनेगी, आपकी चॉकलेट बहुत ज़्यादा
मैट टाइप होगी, वोंट हैव अ नाइस ग्लॉस टू इट. ओके डन, ये हो गया. अच्छा एक जगह कम है यहाँ. नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज इस मोल्ड को आपने ऐसे करके टैप करना है ताकि एयर बबल्स ना रहें और चॉकलेट बिल्कुल स्मूथली हर जगह से वो हो जाए. फिर आप देखेंगे अगर आपको लगेगा कि कहीं है जगह तो आप और मज़ीद इसमें करिए, वरना नहीं. ठीक है, ये हो गया. कप्स आपके बन गए, फिलिंग है इसमें बीच में पीनट बटर की, चंकी ले लें, क्रीमी ले लें, वट एवर यू वॉन्ट. अब इसको आप वापस फ्रिज में रख दीजिए. ये कप्स बन गए आपके, थोड़ी देर में हाथ धो लूँ बिकॉज चॉकलेट से काम करते हैं, हर जगह चॉकलेट चॉकलेट लग जाता है. अब जब तक वो सेट हो जाएगा तब तक हमें बनाना है एक डो, और डो बनाने से पहले हमें ब्रेक की तरफ चलना है. जब हम वापस आएंगे तो मैं एक चीज़ कर दूंगी कि यहाँ मेरे पास, इनफैक्ट मैं अभी ब्रेक में करती ही जाती हूँ, चाइनीज़ रियल एग नूडल्स हैं बेक पार्लर के, पानी गर्म हो चुका है उसमें मैं डाल दूंगी, उनको हम बॉईल कर देंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे आप लोग आएंगे ब्रेक से, मैं ये डो बनाऊंगी, डो बना के मैं फ्रिज में रख दूंगी. जो फ्रीज़र में ऑलरेडी डो पड़ा हुआ है उसको हम डिप करेंगे एक बैटर में और डीप फ्राई कर देंगे. तो मैं तेल भी गर्म करके यहाँ रेडी करके रख दूंगी. आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़. और अगर आपने जीतना है एनएक्स की तरफ से गिफ्ट और वाउच 365 की कूपन बुक्स, तो जल्दी जल्दी आप बताएंगे मुझे मीठों की रेसिपीज़ के नाम. मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा. विल टेक अ ब्रेक. जी वेलकम बैक. अच्छा तेल मैंने यहाँ गर्म करने रख दिया है, कुकीज़ हम फ्राई करेंगे. ये जो मैंने बेक पार्लर की चाइनीज़ एग नूडल्स रखे हैं, ये भी मैंने ज़रा बड़े पतीले में ले लिए थे बिकॉज पूरा पैकेट था. स्टर फ्राई करेंगे उनके सॉसेस के साथ और सब्जियों के साथ, वो बाद में करेंगे. सबसे पहले हम कुकीज़ बना देते हैं. ठीक है, तो यहाँ है मेरे पास पीका अनसॉल्टेड मक्खन. इसको आपने थोड़ा सा नरम किया हुआ हो तो अच्छी तरह ये सारी कुकी का बैटर बन जाएगा. और आप कुकी के बैटर को बना के फ्रिज में गोल गोल बॉल्स बना के रख दीजिएगा. डायरेक्टली हमें बेक नहीं करना, फ्राई नहीं करना है. इसमें हम ब्राउन शुगर डालेंगे. ठीक है जी, ये ब्राउन शुगर चली गई. फिर इसमें हम एक अदद अंडा डालेंगे. अब सब कुछ मिक्स करेंगे. मैदा जाएगा इसमें, और ये है चीनी पिसी हुई सफ़ेद वाली, थोड़ा सा नमक जाएगा, बहुत थोड़ा सा, और चॉकलेट चिप्स. अनसॉल्टेड फीका मक्खन जो होता है वो 113 ग्राम है, ब्राउन शुगर 100 ग्राम है, 2 चमचे सफ़ेद पिसी हुई चीनी है, एक अदद अंडा गया था, वेनिला एसेंस 1 टीस्पून, और इसमें है जनाब 1.25 कप 1¼ कप्स मैदा, और आधा टीस्पून नमक, और ये है चॉकलेट चिप्स. ये आपका कुकी का डो रेडी हो गया. ठीक है, अब आपने इसको फ्रिज में रखना है. मैंने जो किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ. इस डो को आप बॉल्स बना के इस तरह रखेंगे. ठीक है, ये आपने रेडी करके रख देना है. ये आप करोगे, उसके बाद हम एक आपको बैटर बनाना सिखाएंगे. इसी डो को ठंडा करिए, इसके इस तरह बॉल्स बनाइए. अब बैटर क्या करेंगे, इसमें है मेरे पास यहाँ मैदा, इसमें हम ये कुकीज़ डिप करेंगे फिर फ्राई करेंगे. फिर इसमें है पिसी हुई चीनी, फिर इसमें है ये आई थिंक बेकिंग पाउडर है ना, हाँ खुद ही भूल गई क्या था, बेकिंग पाउडर है, बहुत थोड़ा सा नमक है, दूध और तेल. ये बैटर है जिसमें आप कुकीज़ को फ्राई करोगे. थोड़ा नमक, मैदा, दूध, तेल, बेकिंग पाउडर, चीनी. नसरीन फैसलाबाद से. जी हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? थोड़ा सा तेल जाएगा. आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने. जी फरमाइए. आपसे सवाल का जवाब देना चाहती हूँ. जी ज़रूर फरमाइए. गुलाम जामुन, बर्फी, जलेबी, कोकोनट की आइसक्रीम,
और मीठी सेवियाँ और मीठे नूडल्स, स्वीट समोसा। मीठे नूडल्स, समोसा, ये क्या है मीठे नूडल्स, बताइए आपने कैसे बनाए? अभी ये मैंने ना मीठे सूजी में ना सब कुछ तैयार करके ना फिलिंग तैयार करके इसमें समोसे की शेप बना के इसमें डाला है, ये मीठा समोसा बनाया था। अच्छा, रमजान में तो माशाल्लाह बहुत पसंद किया गया था। अच्छा जी, हाँ जी, हम भी आपसे नई नई चीजें सीखते हैं ना। किया था लेकिन बहुत अच्छा लगा था सबको। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने शेयर की आपकी रेसिपी। ये देखें, ये बैटर रेडी हो गया, तेल हमारा यहाँ गरम है। लेट मी जस्ट हैव अ लुक, तेल गरम है कि नहीं। यस yes, हो गया है तेल गरम। अब आपने कुकीज़ को फ्राई करना है, ठीक है? अगर ये इसमें से निकले, ये कुकी लिया, बैटर आपने लिया, ये आपने इसको ऐसे करके डिप किया, मेक श्योर कि पूरा का पूरा डिप हो जाए, फिर आपने एक्सेस इसको ऐसे कर दिया और आपने इसको डाल दिया, ये हो जाएगा फ्राई मज़ेदार सा। अवन नहीं है, अवन को इस्तेमाल नहीं करना है, शेफ कुकवेयर में हम इसको फ्राई कर रहे हैं। और ये जम गए हैं मेरे कुकी का डो, मैंने सुबह में बनाया था, मैंने कहा सुबह में बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए क्या करना है। जब ये फ्राई हो जाएगा तब ये निकलेगा और फिर हम उसको करेंगे चॉकलेट के साथ ड्रिजल और आइसिंग शुगर छिड़केंगे। अब कितना आसान था ये फ्राइड कुकीज़, बच्चे भी बना सकते हैं। डो पड़ा हुआ हो आपके पास फ्रीज़र में, जो कि मैं आपको बताती हूँ हमेशा कि डो रख लिया करें बना के, फिर आप कभी फ्राई करें, कभी बेक करें, कभी कुछ करें, है ना मज़ेदार सा कुछ डिफरेंट। बैटर देखिएगा बहुत पतला नहीं हो, ठीक है, बहुत पतला भी नहीं हो और बहुत गाढ़ा भी नहीं हो, पूरे कुकी को इस तरह कोट कर लें। तो पाँच छः ही एक दफ़ा में फ्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा इसको भर नहीं दीजिएगा अपने फ्राइंग पैन को या सॉस पैन को, मगर ये उसको पूरा कोट करें, ये ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा देर के लिए भी फ्राई नहीं करना है, बस ये देखें ये ऊपर आ गए, इनको टर्न करती हूँ मैं हाथ धो के और बस दैट्स इट, एक्सेस ऐसे ड्रिप हो जाए। इसी बैटर से देखें कितनी सारी कुकीज़ बन जाती हैं। चलो जी मैं हाथ धो लूं ताकि मैं इसको टर्न कर सकूं। नूडल्स भी हमारे बेक पार्लर के हो गए हैं, उसका भी मैं चूल्हा बंद कर देती हूं। और पीनट बटर कप्स भी हमारे रेडी हैं, अभी मोल में से निकालेंगे नहीं सिर्फ। अच्छा, अब मैं एक बोल और छन्नी लेके जो कुकीज फ्राई कर रही हूं उनको निकालते हैं। पहले वाले जो डाली थी ना उनको आपने टर्न करना है, होने दे अभी नहीं। ये दूसरे वाले भी जो बॉल्स हैं ना इनको भी मैं डाल देती हूँ, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, यम्मी। अच्छा, इसको तब तक हम मिक्स कर देते हैं, फिर बाद में मैं इस कुकी के डो को फ्रिज में रख दूंगी और इसका दूसरी कुकीज़ बना लूँगी। ठीक है जी, ये भी हो गया। हल्का गोल्डन होगा तो निकालिएगा, अभी नहीं। नूडल्स को ड्रेन कर देंगे, फिर हम आते हैं मौका पीनट बटर पाए पे। इट्स नॉट गोइंग टू बी मेड इन अ पाई टिन टुडे, आज मैं डीप बोल में करूंगी बिकॉज ज्यादा लेयर्स हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले प्रेशर कुकर बनाने वाली कंपनी है ये शेफ कुकवेयर। अब आप शेफ कुकवेयर कुकिंग सेट्स और आइटम्स ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और दो लेयर की इसकी कोटिंग है, ठीक है, जिससे ये मटेरियल फूडवेयर का मटेरियल बनाया गया है। ये आपके फ्राइड कुकीज़ रेडी हो गए, आप जब इसको बाइट करेंगे तो अंदर से कुकी का डो निकलेगा, बाहर ये पूरा इसका बैटर है, बहुत ही मज़ेदार सा है, ट्राई ज़रूर करिएगा, बनाइएगा। मैं एक बार फिर रिकैप कर दूं, 113 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन को बीट करिएगा, उसमें दो चम्मच भर के
कैस्टर शुगर, सफेद पिसी हुई चीनी डालिएगा, 100 ग्राम ब्राउन शुगर, एक अदद अंडा, एक टीस्पून वेनिला एसेंस, आधा टीस्पून नमक, सवा कप यानी 1.25 कप छान के मैदा डालिएगा, एक कप चॉकलेट चिप्स, मिक्स करके रख दीजिएगा। उसके बोल्स, इस तरह के बॉल्स बना दीजिएगा यूजिंग अ कुकी स्कूप, ठीक है। और उसके बाद फिर जब ये हो जाए ना, तब फिर आप उसको बैटर में डालिएगा। बैटर में हमने क्या क्या डाला था, 1.25 कप मैदा था, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर था, 1/4 टीस्पून नमक था, 1/4 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी थी, 1 चम्मच भर के तेल था, 1 कप जितना दूध था। ये देखें, ये परफेक्ट कुकी बॉल आपका रेडी हो गया। इसको निकालिए, दूसरे भी ऐसे टर्न कर दीजिए एक दफ़ा, हर तरफ से हो जाए। जब तक मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, और भी मजीद जो कुकी बॉल्स हैं उनको डिप करेंगे इस बैटर में, फ्राई करेंगे, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक। देखें, फ्राइड कुकीज़, यहाँ हमारी कुकीज़ फ्राई हो रही हैं बैटर के साथ, ठीक है। आप ट्राई ज़रूर करिएगा, बनाइएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। इसके ऊपर आपने सिर्फ चीनी यानी आइसिंग शुगर छिड़क देनी है। तो मैं ज़रा यहाँ रख दूँ जो ऑलरेडी हमने फ्राई करके छन्नी में रखे हुए थे। कुछ जुड़ भी गए और ये अभी दूसरे भी फ्राई होके निकल रहे हैं। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। और ये इस तरह बनाना एक आइडिया है, फ्राई भी कर सकते हैं कुकीज़ बैटर लगा के। लेकिन कुकी का जो डो है उसको फ्रीज़र में से निकालिएगा, ये याद रखिएगा, फ्रीज़ किया हुआ होगा तो ही, वरना वो अंदर से निकल आएगा। कहीं कहीं से निकलने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वी इंश्योर्ड कि वो बैटर इतना थिक होना चाहिए कि बाहर निकले ना। और कच्ची तो कोई चीज नहीं है एक्सेप्ट फॉर द एग, वो तो अंदर इतनी हीट में पकी गया है। अक्सा, अक्सा हैं कराची से जी। हेलो हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाइए। जी मैं भी ठीक हूँ, और आज बड़ी मुश्किल से कॉल मिली, आप बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया। आप बार बार यही आ रहा था मेल बॉक्स में चला गया क्या जी? अल्हम्दुलिल्लाह कॉल लग गई। और आपका आज का कोई क्वेश्चन है? जी क्वेश्चन रखा है, कोई मीठों की रेसिपीज के नाम बताइए। जी लदे खीरी, दुधारी जी, और कस्टर्ड। ओके वेरी गुड, ठीक है, नोट कर दिया है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा ये हो गया जनाब, अब आपने देखा, अब मुझे क्या करना है। यहाँ मेरे पास है आइसिंग शुगर, उसको लेंगे हम और गर्मा गर्म इस पे हम छिड़केंगे अंदर, भले ये वो हो जाए, अब्सॉर्ब हो जाए, जो कि होगा। ठीक है जनाब, अब क्या करेंगे, एक और चीज़ बाकी है, चॉकलेट भरेंगे और चॉकलेट को हम करेंगे ड्रिजल ऊपर। एक बंद पाइपिंग बैग लीजिएगा, उसमें पिघली हुई चॉकलेट डाल दीजिएगा, पूरा इस तरह नीचे तक कर दीजिएगा और इसके एज काट लीजिएगा और इसके ऊपर आप इसको ऐसे करके बस ड्रिजल कर दीजिए, है ना। मज़े के फ्राइड कुकीज़ ट्राई आपने ज़रूर करना है, फीडबैक दीजिएगा। मज़ेदार सी रेसिपी रेडी। हियर यू गो, लवली फ्राइड कुकीज़ आर रेडी। अब मैं हाथ धो लूँ बिकॉज चॉकलेट के हैं, और हम बेक पार्लर की रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। वो दूसरी रेसिपी तो हमें बस बेसिकली असेंबल करनी है, पीनट बटर मौका पाए जो है, दैट्स व्हाई देयर इज़ नो कुकिंग इन्वॉल्व्ड। हम यहाँ से एक वॉक या कुछ ले लेते हैं, ये पहले ज़रा चीज़ें मैं हटा लूँ प्लीज़। डीलक्स ड्राई आयन है एनएक्स की तरफ से, किसको जीतना है। इसके अलावा हमारे पास है वाउच 365 की कूपन बुक, जल्दी से 888-1 पे मुझे बता दीजिए, कोई भी मीठों की रेसिपीज़ के नाम, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। रुखसाना है से सेवन शरीफ से जी, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनकबा जी, कैसी हैं आप?
जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, सुनाइए। आपको, आपकी पूरी टीम को जुम्मा मुबारक। जी आपको भी, थैंक यू, फरमाइए। खैर मुबारक, आपकी रेसिपी ट्राई करते रहते हैं, बहुत अच्छी बनती है, बहुत मीठे अच्छे अच्छे सिखाए हैं आपने, कस्टर्ड सब सिखाए हैं आपने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जरनक बाजी आपके सवाल का जवाब देंगे। जी रस मलाई, कस्टर्ड, ओके, लौकी का हलवा, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा। ठीक है ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब बिल्कुल स्टर फ्राई चाउमीन टाइप हम बनाएंगे सब्जियों के साथ। उसमें आपने प्याज डाल दी थोड़ा सा तेल में, और आपने सेम साइज के सारी सब्जियां काटिएगा, शिमला मिर्च डाल दिया, गाजर है, और आपके पास बंद गोभी हो बंद गोभी डाल दीजिएगा। ये हरे प्याज के सफ़ेद वाला हिस्सा है, हरा हिस्सा बाद में डालेंगे, ठीक है। अब सॉसेज में क्या क्या चीज़ें जाएंगी, बेक पार्लर का ही सोया सॉस है, ये सॉसेज लाइएगा घर, इस्तेमाल करिएगा। फिर इसमें हम थोड़ा सा चिली सॉस डालेंगे, उसके अलावा देयर इज अ ग्रीन चिली चटनी, जस्ट अ लिटिल बिट टू ऐड सम मज़ेदार सा ट्विस्ट, ठीक है। और क्या जाएगा जी, ये जो बेक पार्लर के ही चाइनीज़ एग नूडल्स मैंने बॉईल करके रखे हुए थे वो, एंड एवरीथिंग इज स्टर फ्राइड। आप अंडा डाल सकते हैं, चिकन डाल सकते हैं, झींगे डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है। अब इसमें आप चिली गार्लिक सॉस, टमाटो केचप, जो भी डालना है वो भी डालिए। एवरीथिंग इज बेक पार्लर के सॉसेज आज। अ लिटिल बिट ऑफ देयर टमाटो केचप एज वेल। बस ये रेडी। आप सोचें कितनी जल्दी ये, कितना आसान है, और ये हो गया, और आपने हरे प्याज का जो हरा पार्ट है वो भी डाल दिया, क्विक एंड ईजी। इसको हम डिश में निकाल देंगे। सब्जियों को प्लीज़ फ्राई नहीं करिएगा अलग से, इसी में सौते कर लीजिएगा। फ्राई की हुई सब्जियां और ऐड हो जाता है उसमें तेल, और भारी से हो जाती हैं। ये सारी लाइट रेसिपीज़ होती हैं, बस आप सॉसेस डालिए, सॉसेस को चखिएगा, फिर इसको चख लीजिएगा। इफ़ यू फील के आपको ज़रूरत है तो आप कुछ और डाल दीजिएगा, विच आई फील दैट आई वॉन्ट टू एड अ लिटिल बिट ऑफ देयर चिली सॉस यहाँ। सिरका भी है इनका, आप थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं। और भी तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ नज़र आ रहे हैं। दैट्स इट, वी आर डन, ठीक है। ये रेसिपी भी हो गई मुकम्मल। अब हम आते हैं मौका पीनट बटर पाई की रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मुझे यहाँ बिस्किट्स को क्रश करना है। और ये हैं चॉकलेट वाले सैंडविच कुकीज़, क्रीम के साथ इनको हम कर देंगे ग्राइंड। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, कॉफ़ी डालनी है और पिघला हुआ मक्खन डालना है, फिर ये डिश के बेस में आ जाएगा। फिर हम फिलिंग के लिए क्रीम चीज़ बीट करेंगे, उसमें पीनट बटर डालेंगे, आइसिंग शुगर डालेंगे, वेनिला एसेंस और क्रीम, ये बीच में एक लेयर आ जाएगा। उसके बाद जो मैंने आपके सामने वो चॉकलेट्स बनाए थे ना पीनट बटर कप्स, वो पूरा ऊपर से सजाएंगे, चॉकलेट और मज़ीद ड्रिजल करेंगे, वाइट और डार्क चॉकलेट चिप्स है वो डालेंगे, और बीच में एक लेयर आइसक्रीम की आएगी जो मैं घर से बना के लेके आई हूँ। डार्क चॉकलेट की मेरी अपनी जो रेसिपी है आइसक्रीम की, आपको मैंने सिखाया भी है, वरना कोई भी चॉकलेट की रेसिपी आइसक्रीम की जो भी आपके पास हो वो यूज़ करिएगा। तो ये मौका पीनट बटर पाए जब आप तोड़ के खाएंगे तो उसके अंदर से पीनट बटर के चॉकलेट्स निकलेंगे, आइसक्रीम होगा, ये पूरा पीनट बटर और क्रीम का, क्रीम चीज़ का लेयर होगा, और नीचे से ये बिस्किट्स निकलेंगे, इतना मज़ेदार। मेरे मुंह में पानी अभी आ रहा है, वैसे ही मेरा लंच टाइम हो गया है। तो चलिए ऐसे करते हैं, हम ब्रेक की तरफ एक चलते हैं, हम थोड़ा क्लीन अप कर देंगे, ये भी डिश में निकाल देंगे, और फिर ये बिस्किट्स को भी निकालेंगे, आपके सामने मक्खन भी पिघला के इसमें डालेंगे।
कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयन और वाउच 365 की किताबें जो हैं बहुत अच्छी है, बाय वन गेट वन फ्री कूपन बुक्स हैं, इसमें ट्रैवल भी है, इसमें सैलॉन स्पा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अलावा दूसरी चीज़ें जैसे कैफेज़ होटल्स में भी आपको डिस्काउंट्स मिल जाएगा। कराची लाहौर इस्लामाबाद फैसलाबाद मुल्तान पेशावर एंड हैदराबाद के रहने वाले लोग उठे जागें, जल्दी जल्दी मैसेजेस करिए, एसएमएस करिए, यानी कि 8881 पर मुझे बताइए 2 से 3 मीठों के रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। देखें मैंने 2 कुकीज़ को जो फ्राई किए थे कुकीज़ उनको काट दिया था बीच में से, यहाँ देखें आपको अंदर डो नज़र आ रहा है, ठीक है। और जो बेक पार्लर के सॉसेस के साथ एग नूडल्स के साथ हमने बहुत मज़ेदार सा झटपट सा स्टर फ्राइड चाउमिन बनाना आपको सिखाया है सब्जियों वाला, वो भी रेडी हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपने रेसिपी की तरफ जो कि है अपना मौका पीनट बटर पाई। मौका कैसे होगा, ये चॉकलेट के बिस्किट्स हैं जिसको मैंने चूरा कर दिया था फूड प्रोसेसर में डाल के, पिघला हुआ मक्खन इसमें जाएगा, ठीक है, मिक्स कर दीजिए। और इसी बिस्किट्स में हम थोड़ी सी कॉफ़ी डालेंगे, कॉफ़ी जब जाएगी इसके अंदर तो खुद ब खुद इसका फ्लेवर मौका हो जाएगा। चॉकलेट एंड कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन मौका कहलाता है। फिर कोई खूबसूरत सा बोल ले लीजिएगा, डीप बोल हो, ठीक है, पाए है ये लेकिन इसमें एक डीप डिज़र्ट है बिकॉज इसमें लेयर्स हमने करने हैं। उसके अंदर आप नीचे पहले ये रख दीजिएगा बिस्किट सारे के सारे, पिघला हुआ मक्खन, चॉकलेट के बिस्किट्स, थोड़ी सी कॉफ़ी, ये पूरा चला गया, अच्छा ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप लेंगे क्रीम चीज़, चीनी पिसी हुई, पीनट बटर, क्रीम और एसेंस डालना चाहें डालें, ठीक है, ओके ये हो गया। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं, बीट कर देते हैं, इसके ऊपर एक पूरी तय आ जाएगी इसकी, क्रीम चीज़, चीनी, पीनट बटर, जिन लोगों को चॉकलेट और पीनट बटर का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है उनको ये बहुत अच्छा लगेगा, ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा। इस पे हम क्रीम डालते हैं, इसको मिक्स करते हैं, क्रीम चीज़ है, चीनी है, पीनट बटर है, क्रीम है, आप एसेंस डालना चाहें एसेंस डालिए, आप अंदर भी चॉकलेट डालना चाहें डालिए लेकिन इस वाले लेयर को हम सफ़ेद रखेंगे, ठीक है। क्रीम चीज़, पीनट बटर, चीनी, वेनिला एसेंस डालना चाहें डालें और ये व्हिपिंग क्रीम जी। दादू से फहमीदा, हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनक जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ शुक्रिया जी, आप सुनाए ना जी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आज मैंने मुर्ग चांदी कोरमा बनाया है और अच्छी तरह से खा रही हूँ। अच्छा वेरी गुड, मेरा हिस्सा कहाँ है जी? मेरा हिस्सा कहाँ है? तेरा मेरी टेबल पे आ जाओ तो खाओ। थैंक यू। आपके सवाल का जवाब भी दूंगी जी जरूर। मीठी सेवाइयाँ, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, ठीक है, और खीरनी, खीर, ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये लेयर इसके ऊपर चला गया, अब आप सोचेंगे मैं क्या करूंगी, अब आएगा चॉकलेट आइसक्रीम का लेयर, देखें ये क्या मज़े का मीठा बन रहा है, उफ मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चॉकलेट आइसक्रीम घर की बनी हुई है लेकिन थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैंने फ्रिज में से निकाल के रखा हुआ था। चॉकलेट आइसक्रीम में मैंने अंदर चॉकलेट के चंक्स भी डाले हैं, ये खाने के बाद फिर 2-3 मील वॉक भी लेनी पड़ेगी। सॉफ्ट किया हुआ चॉकलेट आइसक्रीम चला गया इसमें, अब आप इसके ऊपर क्या करोगे, ये यहाँ से आ गया,
अब कम्स चॉकलेट पार्ट, मोर चॉकलेट, फिर इसको आप फ्रीज करेंगे, ठीक है? कौन सी चॉकलेट? जो मैंने बनाई थी, कोई होप के सेट हो गई हो और ये मोल्ड्स में से आसानी से निकल आए. ये रेडी है, ठीक है? आपने बस ऐसे टर्न कर देना है और आपने ऐसे करके प्रेस कर देना है और ये आपके चॉकलेट्स रेडी. आपको खरीदनी नहीं पड़ेगी, आपके पास चॉकलेट और पीनट बटर है, अभी बनाइए घर में, ठीक है जनाब? ये मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर लूं. ऐसे करके अंदर हम पुश इन कर देते हैं. एक को ऐसे रखते हैं, एक को ऐसे रखते हैं, है ना? अच्छा आइडिया, आपने भी ट्राई करना है, ठीक है? और मुझे फीडबैक दीजिएगा. अब क्या करूं, ये ऐसे हो गया, चलो इसको ऐसे ही रखते हैं. एंड वन मोर ईयर, ये मैं खाऊंगी. और चॉकलेट चिप्स हैं वाइट एंड डार्क, वो भी आप मिक्स करके इधर उधर यर एंड देयर डाल सकते हैं. ये इसको फ्रीजर में रख दीजिएगा फौरन और फिर इसको आप एंजॉय करिएगा और मुझे याद करिएगा. और क्या मज़ेदार से इसके लेयर्स आए हैं सारे, ठीक है? नीचे बिस्किट्स हैं और पिघला हुआ मक्खन है, कॉफ़ी है, फिर बीच में क्रीम चीज़ है, पीनट बटर है, आइसिंग शुगर है, वेनिला एसेंस और क्रीम है, उसके ऊपर चॉकलेट आइसक्रीम है और उसके ऊपर ये चॉकलेट्स हैं जो मैंने अभी आपके सामने बनाए थे शो पे, ठीक है जी? ये सारी चीज़ें ट्राई करिएगा, इसको चिल करिएगा, दूसरे दिन खाइएगा. ब्रेक की तरफ चलते हैं, रेसिपी रिकैप भी चलेगा. अगर आपने आज की ये दोनों तीनों रेसिपीज में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो देखते रहिए हमारा शो. राइट कुकीज, कुकी डो के अज्जा, टीका मक्खन 113 ग्राम, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, कास्टर्ड शुगर 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मैदा 1/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, चॉकलेट चिप्स 1 कप. फ्राइंग के अज्जा, मैदा 1/4 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, कास्टर्ड शुगर 1/4 कप, दूध 1 कप या 2 खाने के चमचे, तेल 2 चाय के चमचे, तेल फ्राई के लिए, पिघली चॉकलेट ड्रिजल के लिए, आइसिंग शुगर डस्ट करने के लिए. तरकीब, मक्खन ब्राउन शुगर और कास्टर्ड शुगर को बीट करें, फिर इसमें अंडा और वनीला एसेंस शामिल कर दें, फिर साथ ही मैदा और नमक मिलाकर मिक्स कर लें. उसके बाद चॉकलेट चिप्स फोल्ड करके डो बना लें. अब डो के 1 इंच के बॉल्स बनाकर बेकिंग शीट पर रखते जाएं और फ्रिज में तकरीबन 1 घंटा रख दें. फ्राई करने के लिए मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक और चीनी मिक्स करें, फिर इसमें दूध मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें और बैटर बना लें. अब तेल गर्म करें और ठंडी कुकी डो के बॉल्स को बैटर में डिप करके अच्छी तरह कोट करें और गर्म तेल में फ्राई करते जाएं. बॉल को हर तरफ से 1 से 2 मिनट फ्राई करें और निकाल लें. उसके बाद बॉल्स पर पिघली चॉकलेट ड्रिजल कर लें और आइसिंग शुगर से डस्ट करके सर्व करें. मौका पीनट बटर पाए, क्रस्ट के अज्जा, चॉकलेट सैंडविच कुकीज 1 पैकेट, कॉफी पाउडर 2 खाने के चमचे, पिघला मक्खन 5 खाने के चमचे, फिलिंग के अज्जा, क्रीम चीज 8 ounce, क्रीमी पीनट बटर 1 कप, आइसिंग शुगर 3/4 कप, वनीला एसेंस 1 खाने के चमचा, व्हिपिंग क्रीम 8 ounce. टॉपिंग के अज्जा, पीनट बटर कप्स 10 अदद, चॉकलेट आइसक्रीम 4 से 5 स्कूप्स, पिघली चॉकलेट ड्रिजल के लिए चॉकलेट चिप्स हस्बे ज़रूरत. तरकीब, क्रस्ट के लिए कुकीज़ को फूड प्रोसेसर में पीस लें. अब इसे बोल में निकालकर कॉफ़ी पाउडर और पिघले मक्खन के साथ मिक्स करें, फिर 10 इंच की पाई डिश में डालकर हाथ से अच्छी तरह दबाएं और फ्रीजर में रख दें. फिलिंग के लिए क्रीम चीज़ और पीनट बटर को अच्छी तरह बीट कर लें, फिर इसमें आइसिंग शुगर और वनीला एसेंस शामिल करके मिक्स करें. उसके बाद व्हिपिंग क्रीम को अच्छी तरह बीट करके ठंडी पाई क्रस्ट पर डाल दें. उसके ऊपर आधे पीनट बटर कप्स रखकर हल्का सा दबाएं और 1 घंटा फ्रीजर में रख दें. जब पाई सेट हो जाए तो उसके ऊपर आइसक्रीम डालें, उसके ऊपर बाकी पीनट बटर कप्स, चॉकलेट चिप्स और पिघली चॉकलेट डालकर दोबारा फ्रीजर में रख दें, फिर इन्हें निकालकर स्लाइस में काटकर सर्व करें.
मौका पीनट बटर पाए क्रस्ट के अज्जा चॉकलेट सैंडविच कुकीज एक पैकेट कॉफी पाउडर दो खाने के चमचे पिघला मक्खन 5 खाने के चमचे फिलिंग के अज्जा क्रीम चीज 8 औंस क्रीमी पीनट बटर 1 कप आइसिंग शुगर 3/4 कप वनीला एसेंस 1 खाने के चमचा व्हिपिंग क्रीम 8 औंस टॉपिंग के अज्जा पीनट बटर कप्स 10 अदद चॉकलेट आइसक्रीम 4-5 स्कूप्स पिघली चॉकलेट ड्रिजल के लिए चॉकलेट चिप्स हस्बे जरूरत थैंक यू टू माई कैमरामैन फॉर ऑल द अमेजिंग फूड शॉट्स और ये जो हैं फ्राइड कुकीज़ आपके सामने जो मैंने बनाई थी प्लीज़ मेक श्योर कि जो आप बॉल्स बनाएं कुकी के बॉल्स बनाएं वो बहुत ही फ्रोज़न अच्छे से होने चाहिए ठीक है तो ही इस तरह फ्राई होगा और बैटर में डिप करिएगा बैटर गाढ़ा होना चाहिए बहुत पतला नहीं ताकि ये आउटर कोटिंग आपको जैसे नज़र आ रही है ना वो ज़रूरी है और इसको फौरन जैसे ही गर्मा गर्म निकलें इसको छान लीजिएगा छन्नी में ताकि तेल निकल जाए ऊपर आप छिड़क दीजिएगा आइसिंग शुगर ऊपर आप ड्रिजल कर दीजिएगा पिघली हुई चॉकलेट एंड दिस इज़ योर फ्राइड कुकी रेडी ज़रूर बनाइएगा और ये जो पीनट बटर मौका पाए जो हमने बनाया था डीप डिश में मैंने इसलिए बनाया कि अच्छे से लेयर्स हों इसी तरह बनाइएगा रेसिपी ट्राई करिएगा फीडबैक दीजिएगा और चॉकलेट आइसक्रीम एक डार्क चॉकलेट से या डार्क कोको पाउडर से ज़रूर बनाइएगा बेक पार्लर के सॉसेज और चाइनीज एग नूडल्स के साथ हमने ये झटपट सा स्टर फ्राई सब्जियों वाला पास्ता आपको बनाना सिखाया है चाउमीन स्टाइल ज़रूर इसको ट्राई करिएगा इसमें आप चिकन डाल सकते हैं झींगे डाल सकते हैं अंडा डाल सकते हैं इसमें आप बंद गोभी डाल सकते हैं एनीथिंग यू लाइक एनीथिंग यू हैव इन योर फ्रिज ठीक है जी तो आज की रेसिपीज़ हमारी हो गई मुकम्मल वाउच 365 का कूपन बुक किसने जीता जी चिन्योट से अनाया ने और एनेक्स का जो गिफ्ट है कराची से अब्दुल अजीज साहब ने ठीक है जी आप दोनों को मुबारक हो जल्द कॉन्टैक्ट किया जाएगा आपके एड्रेसेस लिए जाएंगे आप तक आपके गिफ्ट्स पहुंचा दिए जाएंगे और वीकेंड आ रहा है रेसिपीज हमारी ट्राई करिएगा अगला हफ्ता बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ हैं ज़रूर हमारे साथ रहिएगा पीर से जुम्मा मंडे टू फ्राइडे फूड डायरीज़ लाइव है दोपहर में 1-2 और रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है तब देख लीजिएगा कुछ भी अभी मिस आउट हो जाए तो और रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा और अपनी फरमाइशें भी हमें कॉल करें तब ज़रूर बताइएगा क्या क्या आप आगे के हफ्तों में देखना चाहते हैं तो चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा खुदा हाफिज़